हेलो दोस्तों, मेरा नाम उमेश, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए तो उसे कैसे रिकवर करें या फिर क्रैक करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि अगर आपके पास कोई भी अदर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है तो उसमें एक आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है DLC बूट 2019। या दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपको टाइप करना है DLC बूट 2019 ISO डाउनलोड। या दोस्तों, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये देखो, ये रहा डाउनलोड। देखिए, आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग प्रोसेस चालू हो गई है। ये सॉफ्टवेयर लगभग 3-3.5 GB का है, तो इसमें लगभग आपको डाउनलोडिंग के लिए आधा एक घंटा तो ले सकता है। तो चलिए वेट करते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे की जो प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपको ये सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो DLC बूट का लोगो दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पर आपको ऊपर के टॉप अप में राइट हैंड की तरफ एक पेन ड्राइव का लोगो दिखाई देगा। पेन ड्राइव के लोगो के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने जो पेन ड्राइव अटैच किया है 16 GB हो या फिर 8 GB, मतलब मिनिमम 4 GB के ऊपर पेन ड्राइव होना चाहिए आपका। वो पेन ड्राइव यहाँ पे दिखाई देगा, उसको आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपको स्काई लिनक्स की जगह GRUB सिलेक्ट करना है। उसके बाद में लास्ट में आपको FAT32 सिलेक्शन करना है, बराबर। उसके बाद में आपको क्रिएट बूट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यस, फिर आपकी जो पेन ड्राइव वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है, तो चलो वेट करते हैं। मतलब 15-20 मिनट इसमें टाइम ले सकता है। दोस्तों, पेन ड्राइव हमारा रेडी हो गया है। अभी हमको इस PC का पासवर्ड रिसेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस PC को रिस्टार्ट करना है। तो चलो रिस्टार्ट करते हैं PC को। यस, तो जैसे ही आपका PC रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होने के बाद आपको आपके कंप्यूटर की बूट की प्रेस करना है। बूट के जो अलग अलग मॉडल के अलग अलग हिसाब से रहते हैं, जैसे कि F10, F11, F12। अभी मेरे जो बूट की है वो F11 है, तो मैं रिस्टार्ट होने के बाद F11 की प्रेस करूँगा। तो चलिए की प्रेस करते। जैसे आप अपने बूट की प्रेस करते हैं तो उसमें बूट ऑप्शन ओपन होगा। इसमें आपकी जो हार्ड डिस्क है, डिविड राइटर, वो सब यहाँ पे शो करेगा। नीचे की साइड आप देख सकते हैं कैंडिस प्रेजर प्लेट 9 दिखा रहा है। इस पर आपको एंटर दबाना है, जो कि आपने जो पेन ड्राइव क्रिएट किया था उसका नाम है। इसके बाद में आप देख सकते हैं DLC बूट ओपन हो गया। इसमें आपको मिनी विंडोज XP 32 बिट सिलेक्शन करना है। ये मैंने कर दिया सिलेक्शन। अभी आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में एक नया विंडोज ओपन हुआ है, जो कि DLC बूट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखो, ओपन हो गया। अभी आपके डेस्कटॉप पे जो भी आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं उस पर आपको DLC मेनू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड रिमूव पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको डेस्कटॉप पासवर्ड पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे। ओके, फिर इसके बाद में फिर एक नया पेज ओपन होगा। इस पर देखो, आपने जो भी यूज़र अकाउंट बनाया अपने कंप्यूटर में, वो सब यूज़र अकाउंट यहाँ पे शो करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट, होम ग्रुप, यूज़र, जो भी आपको यहाँ पे यूज़र दिख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। वो रिसेट पासवर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर पासवर्ड यस, ओके। फिर गेस्ट का भी पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद में इसको भी रिसेट कर दीजिए। उसके बाद में यस। फिर उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इस PC को खाली रिबूट कर देना है। रिबूट यस। और जैसे आपका PC रिस्टार्ट होगा उसके बाद में जो अपना पासवर्ड है वो पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि मेरे PC का पासवर्ड रिसेट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इस PC का पासवर्ड रिसेट कर लिया है, और आप भी सिंपल ट्रिक से अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे जिसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।